हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग वाटरमेलन की जैसी दिखने वाली मिल्क पाउडर की मिठाई बनाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अभी इसमें हाफ कटोरी दूध ऐड कर लेना है, हाफ कटोरी शुगर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 2 चम्मच जितना घी ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसको लो फ्लेम पे थिक मिक्सचर होने तक कुक कर लेना है। कुक करते टाइम इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे ये मिक्सचर अच्छे से थिक हो चुका है। इसको मैंने लो फ्लेम पे लगभग 6 से 7 मिनट तक कुक किया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको 3 अलग अलग बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मिठाई का मिक्सचर मैंने 3 अलग अलग बाउल में निकाल लिया है। अभी इसमें 1 बाउल में पिंच ऑफ रेड फूड कलर ऐड कर लेना है और 1/4 चम्मच क्रश की हुई इलायची ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे 1 कटोरी में रेड फूड कलर ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया है। अभी 2 कटोरी में ग्रीन फूड कलर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। और 3 कटोरी का मिक्सचर वैसे ही रखना है। अभी ये सभी मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, अभी इसके राउंड में बॉल्स बना लेना है। अभी इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसके इस तरह से राउंड में बॉल बना लेना है। इसी तरह से सभी मिक्सचर के बॉल्स बना लेना है। तो यहाँ पे सभी बॉल्स मैंने बना लिए हैं, अभी इसकी मिठाई बना लेना है। सबसे पहले इसमें का व्हाइट वाला बॉल लेना है और इसको इस तरह से फ्लैट कर लेना है। तो इसको मैंने फ्लैट कर लिया है। अभी इसमें रेड वाला बॉल रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और इसको राउंड कर लेना है। अभी इसको साइड में रख लेना है और इसमें से ग्रीन वाला बॉल लेना है और इसको फ्लैट कर लेना है। अभी इसमें हम लोगों ने जो रेड और व्हाइट का बॉल्स बनाया है वो रख देना है और इसको फोल्ड कर लेना है। और इसको राउंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बॉल बना लिया है। इसी तरह से सभी वाटरमेलन जैसे बॉल बना लेना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से मैंने वाटरमेलन जैसे बॉल बना लिए हैं। अभी इसको सेट होने के लिए 1 घंटा साइड में रख लेना है। तो यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो चुका है, अभी इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बॉल के मैंने 4 पीसेस कट करके इसको कट कर लिया है। अभी इसी तरह से सभी बॉल्स कट कर देना है।
तो यहाँ पे सभी मिठाई को कट करके मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। तो ये वाटरमेलन की जैसी दिखने वाली मिल्क पाउडर की मिठाई बनके रेडी है। तो अगर आपको इसी तरह की और भी स्वीट की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।